अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सैयद शाकिर अली और आज मेरे साथ मौजूद हैं, आप देख रहे होंगे कि मोमित नहीं है, मोमित की जगह कोई और आया बैठा हुआ है। यह यहाँ हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे। मोमित की चूँकि तबीयत सही नहीं है और आपको मालूम है कि लॉकडाउन की वजह से एक जगह आगे से पीछे ट्रांसफ़र होना भी बड़ा मुश्किल है, ट्रैवल करना। तो आप मोमित के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसको सेहत और ज़िंदगी दे और फिर वो हमारे दरमियान जल्दी से दोबारा बैठे। तो हमने सोचा क्योंकि मैं काफ़ी से अकेला मैं कर रहा था यहाँ पर, आप देख भी रहे होंगे कुछ वीडियोज़ वगैरह, उससे व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक खूबसूरत सा चेहरा और एक मोमित जैसा कोई बंदा दोबारा बिठाया जाए ताकि वो कमी दूर हो जाए। तो मेरे साथ मौजूद हैं वलीद खान और आई होप आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज हम क्या दिखने वाले हैं शाकिर भाई, आज हम अपनी YouTube फैमिली को क्या वीडियो दिखाने वाले हैं? हम दिखाने वाले हैं बहुत ही सुपर डुपर चीज़, बहुत ही प्यारी चीज़ है। जी हाँ, प्यार कोरोना, सलमान खान और साजिद वाजिद की, क्या कहते हैं, आदित्य देव है उसके अंदर और बहुत अच्छा वीडियो सॉन्ग्स है। मैंने भी देखा तो नहीं, सिर्फ सुना है, अभी रिजवान ने निकाली है वीडियो। उनके सलमान खान का सॉन्ग है तो बहुत हिट होगा सॉन्ग, तो बहुत अच्छा होगा, बहुत चल के देखते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बाकी बातें हम करेंगे बाद में। आई होप हमारी यूट्यूब फैमिली को भी बहुत पसंद आएगा। यस बिल्कुल। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत सलमान जी की तरफ से मैसेज जो कि उन्होंने अपने अंदाज़ में और अपनी आवाज़ में गाकर आप सबको वो सब एहतियात और वो चीज़ें जो हमें करनी चाहिए इस कोरोना के माहौल के अंदर, क्योंकि पूरी दुनिया लॉकडाउन के अंदर है और हमें एहतियात भी करनी है और हमने प्यार भी करना है, प्यार अपने आप से करना है। अगर हम समझते हैं कि अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं तो हमें घर में लॉकडाउन के अंदर रहना चाहिए। जो हकूमत और जो डॉक्टर्स जो और जो पैरामिलिट्री फोर्स और जो पैरामेडिकल्स के जो लोग हैं वो जो हमें एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं तो उन पे हमें अमल करना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ हमें अपने पड़ोसियों का, अपने से जो कमज़ोर तबके हैं, जो इस परेशानी में, इस मुश्किल वक्त के अंदर जिनके पास राशन नहीं है, खाने पीने का सामान नहीं है या दूसरी कोई परेशानी है उनको, तो हमें उनका बाजू बनना है, उन्हें यह एहसास नहीं दिलाना कि वो अकेले हैं या वो कमज़ोर हैं या वो नातवां हैं या उनके पास पैसा नहीं है या उनके पास कुछ खाने को नहीं है। तो हमें अपने उस हिस्से की रोटी जो हमारे हिस्से की है हमने उसमें शेयर करना है और अपने उस भाई को, उस बहन को, उस बच्चे को अपने साथ मिलाना है या उसको वहाँ तक राशन पहुँचाना है और ख्याल करना है कि वो भूखा ना रह जाए, वो कोरोना की वजह से नहीं तो कम से कम भूख की वजह से ना मर जाए या उसको कोई परेशानी ना आ जाए। तो ये हमें एहतियात ज़रूर करनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने भी बड़े प्यार से कहा कि प्यार करें, एहतियात करें, ख्याल करें, एतबार करें। तो ये हुकूमत पे हमें एतबार करना चाहिए और अपने आप पर भी एतबार करना चाहिए और इंशाल्लाह इस आजमाइश की घड़ी में जो कोरोना की वबा में पूरी दुनिया में फैली हुई है, ना ये अमीर को देख रही है, ना गरीब को, ना मुसलमान को, ना गैर मुस्लिम को, ना इंडियन, पाकिस्तानी, यूरोपियन को, अमेरिकन को, अक्रॉस द बॉर्डर सब जगह ये फैला हुआ है। तो हमें, हम जो इस ज़ात पात और मज़हब पे बढ़ गए हैं और आज भी हम माजरत के साथ हम लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये फ़लाह की वजह से आ गया, ये फ़लाह की वजह से आ गया, ये मुसलमान की वजह से या हिंदू की वजह से या क्रिश्चियन की वजह से, नहीं, ये एक वायरस है, ये बाकी दुनिया में फैला हुआ है, वहाँ पर किसी मुसलमान ने नहीं फैलाया, वो कहीं और फैला, वहाँ किसी क्रिश्चियन ने नहीं फैलाया, चाइना में से स्टार्ट हुआ, आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैल गया है। तो सब जगह ना मुसलमान है, ना काफर है, ना क्या क्रिश्चियन है, ना यहूदी है, ना जियोश है, तो ये तो सबको ही लपेट में ले रहा है। तो ये कहना हमें, ये बेवकूफ़ी वाली बात है कि किसी पे इल्ज़ाम लगा देना कि ये हिंदू मुसलमान ये फलां तबके ने या गरीब ने या अमीर ने फैला दिया। ये तो ब्रिटिश के जो क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर थे उन तक को पहुँच गया, कैनेडियन वज़ीर आज़म की वाइफ जो फर्स्ट लेडी है उन तक पहुँच गया, तो सब जगह फैल गया, तो इसकी एहतियात करें। तो तुम क्या कहते हो इसके मुताबिक? मुझे तो बहुत सॉन्ग बहुत ही अच्छा लगा है, एक मैसेज दिया हुआ है हमारे यूट्यूब फैमिली, एक आपको भी मैसेज है कि प्यार करो ना, एहतियात करो ना, प्लीज़ अपने घरों में रहें, सेफ रहें, क्योंकि इन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया हमें। तो अपने घरों में रहें, सेफ रहें, प्यार करो ना, एहतियात करो। मैं इनसे पूछूं कि इतना मैसेज तुमने उस पर अमल किया? मैं कर रहा हूँ थोड़ा, वो जितना कहां से कर, लेते कहाँ इतनी दूर रहते, मेरे घर पे आने मौजूद आए लॉकडाउन वॉलेट करके वॉलेशन करके नहीं आते अपनी फैमिली को कुछ तो दे तो बाहर ये आपकी मोहब्बत में आए हैं। आई होप बोलना तो बहुत मुश्किल होगा, डेफिनेटली बहुत पसंद आया होगा सॉन्ग, बिल्कुल डेफिनेटली। आई होप बोलना तो हमारी बेवकूफी है,
बिल्कुल बहुत, क्योंकि इतना ज़बरदस्त स्टार है, पूरी दुनिया के लोग पसंद करते हैं ना सलमान जी को, और सलमान जी को आपको सैल्यूट, और हम पैरामिलिट्री फोर्स को सलाम, उन डॉक्टर्स को सलाम, फौज को सलाम, फौज को सलाम, जो दुनिया की कहीं भी जिस जो भी फौज है उन सबको सलाम, जो जो कोरोना वायरस के मुताबिक से जो फ्रंट उसके पर हैं, लेयर पर आए हुए हैं, उन लोगों को बचाने की चीज़ें कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस हो, फौज हो, क्या कहते हैं डॉक्टर्स हों, नर्स हों, और जो भी लोग काम कर रहे हैं, तो उनको सबको हमारा सलूट है, और हम दुआ हैं उन सबके लिए कि अल्लाह ताला उन सबको हिफाज़त रखे, और हमारे भी अपने हिफाज़त में रखें, और अपने और दोस्तों का ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।